हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द वीडियो। सो दिस वीडियो इज अबाउट आरएम ऑफ 2023 प्रॉब्लम 1 एंड आरएम एग्जाम ऑफ 2025 व्हेन वी कैन हैव अ गुड एग्जाम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो द क्वेश्चन 1, इट्स अ रिलेटिवली इजीियर क्वेश्चन, सो आई कैन सॉल्व इट योरसेल्फ एज वेल। पॉज द वीडियो एंड देन वी कैन गेट अ सॉल्यूशन फ्रॉम द बुक। Let n be the set of all positive integers. S equals a, b, c, d, right? So S is the set of integers a square plus b square plus c square plus d square. It's something like Pythagoras theorem, but not exactly like the Pythagoras theorem. Find the largest positive integer m, such that m divides or a, b, c, d for all a, b, c, d belonging to S. Now the standard approach for these type of questions is that, you know, first you find a bound on m. So you find a lower and you find an upper limit for m, like basically how high m can be, and then you find how low m can be, and then you know find m exactly. First you find the smaller solution. The chota sabse chota solution kya hoga, उससे हमें ये पता चलता है कि m को तो इस चीज़ को डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो उससे हमको m का अपर लिमिट मिल जाएगा। तो 1 square plus 2 square जो है वो 3 square होता है, 1 plus 4 plus 4 9, तो 1 2 2 3 करके m डिवाइड 12 आ जाता है, राइट, बिकॉज दैट प्रोडक्ट इज 12, तो m शुड डिवाइड 12, देन m शुड डिवाइड ए बी ऑल ए बी सी डी। सो अभी हम दिखाएंगे कि m जो है वो 12 एग्जैक्ट वैल्यू है जो उसका हाईएस्ट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसमें, आप जब भी आप स्क्वायर का इक्वेशन देखते हैं, जनरल पाइथागोरस टाइप का इक्वेशन देखते हैं, ऑलवेज हमारा अप्रोच होता है कि हम लोग उसको मॉड बैश करें, एंड यू नो सबसे अगर स्क्वायर के सबसे बेस्ट जो मॉड वर्क करने के लिए होते हैं और 12 नंबर से हमको आइडिया भी मिलता है कि 3 और 4 से हमें वर्क करना चाहिए, एंड 4 से भी अच्छा 8 इज वर्क करना चाहिए, क्योंकि जब ऑड नंबर होता है तो ऑड नंबर का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 मॉड 8, राइट। तो हम लोग फर्स्ट ये दिखाएंगे कि कोई ना कोई एक नंबर जो है वो आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए, एंड उसका प्रूफ काफ़ी सिंपल है। अगर हम कोई भी नंबर अगर n लेंगे तो n स्क्वायर जो हमें पता है 0 × 1 आएगा मॉड 3। मान लेते हैं कि 3 ए बी सी डी को डिवाइड नहीं करता, मतलब ए बी सी डी तीनों ही 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर तीनों चारों के चारों 1 मॉड 3, भी 0 तो हो नहीं सकते, इसका मतलब 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 3, सो 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 3, जो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है, राइट। इसका मतलब 3 जो है वो हमेशा ए बी सी डी को डिवाइड करेगा ही सही, राइट, ये हमने प्रूव कर दिया। अभी हमें प्रूफ करना है कि 4 हमेशा ए बी सी डी को डिवाइड करेगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं मॉड 8 हम लोग चेक करेंगे, तो सबसे पहले वही प्रोसीजर करते हैं। सपोज ए बी सी डी चारों के चारों ऑड है, तो ये भी 1 मॉड 8 हो जाएगा, ये भी 1 मॉड 8 हो जाएगा, ये भी 1 मॉड 8 हो जाएगा, और ये भी 1 मॉड 8 होना पड़ेगा, चारों 1 मॉड 8 हो जाएंगे, इसका मतलब 4 एक लग यहाँ पर 3 समाएगा, थ्री इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 8 आएगा, राइट, या मॉड 4 भी लिख सकते हैं, इसकी बड़ी बात नहीं है, जो कॉन्ट्रडिक्शन है फिर यहाँ पर इसको ना 8 भी लिख सकते हैं, राइट, 8 इसलिए हम लिख सकते हैं क्योंकि एन स्क्वायर ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा 1 मॉड 8 होता है। अभी हम लोग ने ये प्रूव किया है अब तक कि इसका मतलब 2 हमेशा ए बी सी डी को डिवाइड करेगा, मतलब कोई ना कोई इवन नंबर होगा इसे। अभी हम लोग ने बेसिकली इन लोगों को कंबाइन करने में ये प्रूफ कर सकते हैं कि 6 हैज डिवाइडिंग ए बी सी डी, बट अगर हम लोग देखें हम लोग प्रूफ करना है 12 विल डिवाइड ए बी सी डी, तो हमें 2 के एक और फैक्टर चाहिए। अभी हम ये एक और फैक्टर कहाँ से लाएंगे, अभी देखो यहाँ पे अगर चारों के चारों इवन हो जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा काम हो जाएगा, राइट, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि इनमें से कुछ नंबर्स ऑड है, राइट। अगर डी ऑड होगा, डी अगर मान लेते हैं ऑड है,
So d square will be congruent to 1 mod 8, right? D square is congruent to 1 mod 8, and a square, so a square plus b square plus c square is congruent to 1 mod 8, right? If b is odd, then a square plus b square plus c square is congruent to 1 mod 8. अभी इनमें से ए बी सी में से अगर ए तो इवन होगा इसलिए वो तो हमें पता है। मान लेते हैं कि बाकी के दोनों ऑड लिख लें, तो ए स्क्वायर मान लो ऑड है, बी स्क्वायर भी ऑड है, पर सी स्क्वायर इवन है, तो फिर मॉड एट में अगर हम देख मॉड फोर में अगर हम देखें, मॉड फोर कर लेते हैं क्योंकि मॉड एट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो आपका 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सी स्क्वायर विल कॉन्ग्रेंट टू 0 मॉड, तो 2 विल कॉन्ग्रेंट टू, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 विल कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड, तो विच इज ऑब्वियसली अ कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब यहाँ पर दो हमारे इवन होने पड़ेंगे, एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस हो जाता है जब आपका डी जो है वो इवन हो जाए, जब डी इवन होता है तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अभी आपका इवन होना पड़ेगा, मतलब 4 को उसको डिवाइड करना है, 4 शुड डिवाइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी मान लेते हैं कि ए बी सी तीनों ऑड है यहाँ पर, राइट, सपोज फॉर कॉन्ट्रडिक्शन कि मतलब ए बी सी तीनों ऑड है, अगर ए बी सी तीनों ऑड होगा तो ये 1 mod 4 1 mod 4 1 mod 4 तीनों ऐड करके 3 mod 4 आ जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। या फिर हम इस पर ऐसे भी सोच सकते हैं कि तीन ऑड नंबर का सम जो है कभी भी इवन नहीं हो सकता, तो इसीलिए एक ना एक नंबर इसमें भी इवन होना पड़ेगा। तो ऑल इन ऑल हमें हमेशा दो नंबर मिलेंगे जो इवन होंगे ए बी सी डी से, इसका मतलब उनका प्रोडक्ट जो है वो 4 से डिविजिबल हमेशा होगा, इसका मतलब 4 विल ऑलवेज डिवाइड ए बी सी डी, एंड सिंस 3 ऑल्सो डिवाइड ए बी सी डी, वी कैन कंक्लूड दैट 12 विल डिवाइड ए बी सी डी। अभी छोटी सी चीज़ है जो अभी क्वेश्चन तो वैसे खत्म हो चुका है, पर मैं एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पर 4 डिवाइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हम डायरेक्टली ये बता सकते हैं यहाँ से कि ए बी सी जो है तीनों को इवन होना पड़ेगा। और ये चीज़ का प्रूफ अगर आप चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो, काफ़ी ईजी प्रूफ है इसका। मतलब मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ इससे कि मैं देखूँ कि आप पूरा वीडियो समझे हैं और मॉड बैच से कम्फर्टेबल हुए हैं या नहीं। बाकी ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, एंड see you in the next video. Please like, share and subscribe this video and comment the proof for this question. And there's one more question which I'd like to leave you with, and that question is, can you find a method in which you can find infinite solutions to this which are co-prime to each other, so that A, B, C, D all are co-prime to each other, like pairwise co-prime and co-prime, and solution in the comments, please. Thank you.